हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमित अंकू। तो फ्रेंड्स, जो 13 सितंबर को पेपर हुआ था HAS का, जो प्री एग्ज़ाम हुआ था, तो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से उसकी जो आज आंसर की जारी कर दी गई है। तो आज हम डिस्कस करेंगे HAS का जो प्री एग्ज़ाम हुआ था जनरल स्टडीज़ का, उसका पेपर डिस्कस करेंगे आज हम। तो मैं आपको जो आंसर बताऊँगा वो जो आंसर की जारी की गई है उसके अकॉर्डिंगली। तो फर्स्ट क्वेश्चन है और ये सीरीज़ ए है, तो इसमें जो सीरीज़ ए का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि प्राकृतिक भौगोलिक रूप से हिमाचल प्रदेश में पालमपुर, धर्मशाला और जोगिंदरनगर निम्न में से किस क्षेत्र में आते हैं। ऑप्शन ए आर्द्र उष्ण कटिबंध, ऑप्शन बी उप समशीतोष्ण, ऑप्शन सी सम आर्द्र कटिबंध, ऑप्शन डी आर्द्र समशीतोष्ण। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन डी, आर्द्र समशीतोष्ण, वेट सब टेम्परेट। क्वेश्चन नंबर टू, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ प्रिंसली स्टेट और ठकुराई विच वाज क्लब टू फॉर्म द महासू डिस्ट्रिक्ट इन 1948। सन 1948 में निम्न में से कौन सी रियासत या ठकुराई महासू जिले का भाग नहीं थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन डी, आनी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जाहौर इज़ द तिब्बती नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जाहौर हिमाचल प्रदेश के किस जिले का तिब्बती नाम है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी, मंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्नो क्लैड पीक ऑफ हिमाचल प्रदेश इज शेप्ड समवट लाइक मैटरहॉर्न इन स्विट्जरलैंड। हिमाचल प्रदेश की बर्फ से ढकी किस चोटी की बनावट स्विट्जरलैंड की मैटरहॉर्न जैसी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए, गेफांग। फ्रेंड्स, मैं जो आपको आंसर बता रहा हूँ ये जो आज जो आंसर की आई है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से, तो मैं उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर बता रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्बिनेशन इज नॉट करेक्ट। निम्न में कौन सा युगल सही नहीं है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन डी, स्वांगला और झंझरारा। तो ये आपका जो है ये गलत है। ये जो झंझरारा है ये गद्दियों का एक विवाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर 6, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करें एवं नीचे दिए गए कूटों के आधार पर सही उत्तर का चयन करें। तो आपको ये लिस्ट 1 दी गई है और लिस्ट 2 दी गई है, तो इसमें आपने इनका मिलान करना है। तो इसमें पहला है वो है क्यांग, तो जो क्यांग है वो है आपका, इसमें आप देखेंगे लाहौल स्पीति का, तो ए का जो आएगा वो आएगा ई। अब हम वापस चलते हैं ऊपर, सेकंड है झांझर, तो सेकंड है यहाँ पे झांझर, तो इसका जो आएगा वो आएगा सी, चंबा से रिलेटेड है। आगे है तीसरा किकली एंड भांगड़ा, तो इसमें जो आपका आएगा ये आएगा ऊना। और जो चौथा है आपका झूरी, तो झूरी में आपका आएगा सिरमौर। तो इस तरह से जो है ए का आएगा आपका ई और जो बी का आएगा वो सी आएगा, और किकली और भांगड़ा है ऊना, यानी कि इसका जो सी है वो उसका बी आएगा। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लोहड़ी को राज्य त्यौहार घोषित किया गया है और 13 जनवरी 2010 को प्रदेश का प्रथम लोहड़ी त्यौहार किस जगह मनाया गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्रागपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज बिलीव टू बी कंस्ट्रक्टेड बाई टू मर्चेंट्स अहुका एंड मान्युका। निम्न में किस मंदिर का निर्माण अहुक और मान्युक दो व्यापारियों द्वारा किया गया माना जाता है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए, बैजनाथ मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर 9, द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ कांग्यूर एंड तांग्यूर इज प्लेस्ड इन द लाइब्रेरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गोम्पा। निम्न में से किस गोम्पा के पुस्तकालय में कांग्यूर और तांग्यूर का सबसे बड़ा संग्रह है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी, कारदांग गोम्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। जो आपकी पहली जो स्टेटमेंट है वो है द अर्की स्कूल ऑफ पेंटिंग वॉज फाउंडेड बाई राजा जगत सिंह, और अर्की चित्रकला शैली की स्थापना राजा जगत सिंह ने की थी। तो ये जो आपकी स्टेटमेंट है ये गलत है, और बाकी जो तीनों स्टेटमेंट है ये आपकी ये सही हैं। तो इसमें जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए, क्योंकि इसमें पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। हिमाचल प्रदेश भाषा कला एवं संस्कृति अकादमी को किस वर्ष में 600 वर्ष पुरानी पांडुलिपि प्राप्त हुई जो आयुर्वेदिक औषधि प्रणाली से संबंधित थी। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन डी, स्पीति वैली में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज नॉट करेक्ट, निम्न में कौन सा युग्म सही नहीं है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए, फतेहपुर पोर्ट बांदला धार। फतेहपुर किला जो है इसमें बताया गया है कि वो बांदला धार में है, लेकिन ये गलत है। और जो बाकी आपकी तीनों स्टेटमेंट हैं वो तीनों करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ओनली क्वाइन स्पेशल टू चंबा फाइव ऑफ विच मेक्स एन आना इज द, चंबा का एक विशेष सिक्का कौन सा है जिसके 5 सिक्के का एक आना होता है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, चकली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्न में कौन प्रथम व्यक्ति था जिसने चंबा और भरमौर में पुरातत्व अवशेषों का परीक्षण किया था। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी, जनरल कनिंघम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्क्रिप्ट ऑफ अर्लीस्ट रॉक इंस्क्रिप्शन फाउंड एट द पठियार एंड कनिहारा, पठियार और कनिहारा में पाए गए प्राचीनतम पाषाण अभिलेखों की लिपि क्या है। तो इसमें जो आपका जो करेक्ट आंसर आया है वो है ब्राह्मी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज तिब्बती अभियान कला संस्थान द्वारा मैक्लोडगंज में प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला गीति नाट्य त्यौहार कौन सा है जो 1959 से पूर्व ल्हासा की वार्षिक विशेषता थी। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी, शोतोन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्न में से कौन सी घाटी बिना अपवाद किन्नौर जिले की सबसे विषम घाटी है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, तिडोंग वैली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से किसे ज्येष्ठांग और कनिष्ठांग नाम दिया गया है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, मलाणा गांवों की खाप पंचायत के उच्च सदन एवं निचला सदन, अपर हाउस एंड लोअर हाउस ऑफ विलेज खाप ऑफ मलाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाहौल स्पीति ने प्रति हेक्टेयर आलू उत्पादन में निम्न में से किस देश को दूसरे पायदान पर धकेल दिया। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, नीदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सन 1817 में निम्न में से किस जगह का सर्वप्रथम वर्णन स्कॉटिश अफसर भाइयों की डायरी में मिला। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, शिमला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्न में से किस नदी घाटी में 4 जिलों के 9258 गांवों के 1200 से अधिक पंचायतों में जलवायु परिवर्तन संवेदनशीलता का आकलन किया जा रहा है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ब्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज परिवहन विभाग हिमाचल प्रदेश ने ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के लिए निम्न में से कौन से वेब आधारित सॉफ्टवेयर लागू किया है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सारथी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सन 1852 में दिल्ली टी एस्टेट की स्थापना करने वाले बोटानिकल गार्डन के अधीक्षक कौन थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, डॉक्टर जेम्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24। एक गहन अनुसंधान और उस योजना की सफलता के उपरांत हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला पिस्ता उत्पादन में प्रदेश का अग्रणी जिला बनने वाला है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन डी, किन्नौर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बहुस्तरीय मार्केटिंग कंपनी इजी वेविद द्वारा स्थापित हिमाचल प्रदेश का प्रथम एमओ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर आया है वो है ऑप्शन ए, गंडवाल ऊना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्न में से कौन दो वन्य जीव विशेषज्ञ थे जिनका हिमाचल प्रदेश के सलरोपा में प्रदेश के प्रथम वर्ल्ड रिगिंग स्टेशन स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, फ्रांसिस बुनार और टीएच वाकर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ से करंट अफेयर स्टार्ट हैं।
जो इंडिया के। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27, शंघाई सहयोग संगठन के 8 जूबों में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है। तो इसमें जो शामिल किया गया है ऑप्शन सी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत ने किस देश को कामयाब नामक एक मेड इन इंडिया गश्ती पोत उपहार में दिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 27 दिसंबर 2019 को किस भारतीय वायुसेना के विमान का विघटन किया गया था। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, MiG-27। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 16 जनवरी 2020 को एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद अब किस आदिवासी शरणार्थी समुदाय को त्रिपुरा में बसने की अनुमति दी जाएगी। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ब्रू रिनग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग क्या है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है 84, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ग्लोबल टाइगर फॉर्म का मुख्यालय कहाँ है, GTF का मुख्यालय कहाँ है ग्लोबल टाइगर फॉर्म का। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वॉयड क्विट क्या है जो हाल ही में खबरों में था। तो जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये वाला वॉयड क्विट क्या है, तो इस ये है ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, डिजिटल मॉनिटरिंग ऑफ द बॉर्डर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत की पक्षी 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में हाउस स्पैरो की स्थिति क्या है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, स्टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत ने किस देश के साथ अडू पर्यटन स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स 2019 में 156 देशों के बीच भारत की रैंक क्या थी। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 140। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस प्रदेश सरकार ने एक परिवार एक नौकरी योजना शुरू की है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सिक्किम। तो सिक्किम सरकार ने एक परिवार एक नौकरी योजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत में किन शहरों की गैर प्राप्ति वाले शहर कहा जाता है। भारत में किन शहरों को गैर प्राप्ति वाले शहर कहा जाता है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, लगातार राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता मानकों की तुलना में खराब वायु गुणवत्ता दिखा रहे हैं। तो उनको कौन से शहर बोलेंगे, गैर प्राप्ति वाले शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सिडनी स्थित लोवी संस्थान द्वारा जारी ग्लोबल डिप्लोमेसी इंडेक्स 2019 की सूची में कौन सा देश शीर्ष पर स्थित है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस देश ने मैच फिक्सिंग से संबंधित अपराधों का प्राधिकरण किया है। तो इसमें जो आपका आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन डी, श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बड़ा दशेन किस देश में मनाया जाने वाला त्यौहार है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2020 का अभियान विषय क्या था। तो इंटरनेशनल वुमेन्स डे की जो थीम थी वो क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ईच फॉर इक्वल, बराबर के लिए प्रत्येक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑपरेशन कारवाश शब्द जो हाल ही में समाचार बना रहा किस देश से संबंधित है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए, ब्राज़ील। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन COP26 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, UK, ब्रिटेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक नवीनतम रिपोर्ट 2019 में विश्व बैंक ने भारत के प्रयासों और नीतियों की सराहना की। तो क्योंकि इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 1992 के बाद से गरीबी को आधे से कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार 2019 में अभिजीत बनर्जी, एस्टर डफलो और माइकल क्रेमर को सम्मानित किया गया है। तो किसके लिए, तो उन्होंने क्या किया था। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, विकासशील दुनिया में गरीबी से निपटने के लिए सबसे प्रभावी तरीकों की खोज करना।
तो इसके लिए इनको क्या मिला है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्राइज 2019 का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पर्यावरण में जारी होने वाले माइक्रोबीड्स को लेकर बड़ी चिंता क्यों है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, इन्हें समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के लिए हानिकारक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से पिछले 5 वर्षों में दुनिया में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस देश का राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान रखा गया है? तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, कजाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन 50, निम्नलिखित में से किसको ब्रेटन वुड्स ट्विंस कहा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, IMF एंड IBRD। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 1 जनवरी 2019 को किस राज्य को एक अलग उच्च न्यायालय मिला जो भारत का 25वां उच्च न्यायालय है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 1959 में भारत में पहली बार किस राज्य ने पंचायती राज को अपनाया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, राजस्थान। राजस्थान के नागौर जिले में पहली बार पंचायती राज को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सच है? तो इसमें दो स्टेटमेंट दी हैं। पहली स्टेटमेंट है ये अधिनियम पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में लागू नहीं हुआ, और दूसरी स्टेटमेंट है पंचायत चुनावों के लिए निर्वाचन क्षेत्रों में सीटों के आवंटन पर कानून के किसी न्यायालय में सवाल नहीं उठाया जा सकता। तो इसमें जो आपकी दोनों जो स्टेटमेंट है ये दोनों करेक्ट हैं, तो आंसर आएगा आपका ऑप्शन सी, बोथ 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सी LM सिंघवी समिति की सिफारिशें हैं? तो आपके पास 3 यहाँ स्टेटमेंट दी हैं। पहली है गांवों के एक समूह के लिए न्याय पंचायतें बनाई जानी चाहिए। दूसरी स्टेटमेंट है पंचायती राज संस्थाओं के लिए संवैधानिक मान्यता। तीसरी स्टेटमेंट है ग्राम पंचायतों के लिए अधिक वित्तीय संसाधन। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। ये तीनों जो स्टेटमेंट हैं ये तीनों की तीनों करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पहल योजना किससे संबंधित है? तो पहल योजना संबंधित है LPG सब्सिडी का प्रत्यक्ष अंतरण, डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ LPG सब्सिडी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत के संविधान की किस अनुसूची के तहत खनन के लिए जनजाति भूमि को निजी दलों को हस्तांतरित करने को शून्य और शून्य घोषित किया जा सकता है? तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है 5वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राज्यसभा अपने विचार के लिए भेजे गए वित्त विधेयक को लोकसभा द्वारा अधिकतम अवधि के लिए विलंबित कर सकती है? तो इसका जो ऑफिशियल जो आंसर किया है उसके अकॉर्डिंग आंसर ए है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, 14 दिन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 किससे संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सांविधानिक निकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस केंद्रीय मंत्रालय ने सार्वजनिक सेवा के प्रभावी वितरण के लिए एक नया वेब पोर्टल सेंटेस्ट लॉन्च किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, श्रम और रोजगार मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 25 दिसंबर 2019 को केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए सुशासन सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, तमिलनाडु। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 63 से आपकी जो है हिस्ट्री स्टार्ट है, हिस्ट्री सेक्शन। तो निम्नलिखित में से कौन सा आर्य समाजी नहीं था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, बाबा रामचंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन सबसे बाद में स्थापित हुआ? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1878 में, तो उस समय थे लॉर्ड लिट्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पावना विद्रोह 1873 से जो 1876 तक हुआ था, तो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का सर्वप्रथम अधिवेशन किस वर्ष में आयोजित हुआ? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 1921। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1880 में अकाल नीति पर नियुक्त आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, रिचर्ड स्ट्रैची। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1927 में ब्रुसेल्स में हुए कांग्रेस ऑफ ओप्रेस्ड नेशनलिस्ट में निम्नलिखित में से कौन उपस्थित था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज उलगुलान क्या था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एक मुंडा विद्रोह। तो उलगुलान क्या था? एक मुंडा विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित संस्थानों में कौन सी संस्था सबसे बाद में स्थापित हुई? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मद्रास महाजन सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने ब्रिटिश संसद में कब ये घोषणा की कि जून 1948 तक उत्तरदायी भारतीयों के हाथों में सत्ता का हस्तांतरण कर दिया जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, फरवरी 20, 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज युवाओं को क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की ओर आकर्षित करने के लिए सचिंद्रनाथ सान्याल ने निम्नलिखित में से कौन सी रचना लिखी थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, बंदी जीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यहाँ से 74 क्वेश्चन से जियोग्राफी स्टार्ट। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मिट्टी का प्रकार नहीं है? तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जलंधर दोआब का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ब्यास और सतलुज के बीच का क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अरमाकोंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज खेतड़ी में समृद्ध जमा है, तो खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये है कॉपर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 49th पैरेलल इज एसोसिएटेड विद, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कनाडा और यूएसए। तो जो 49 पैरेलल है वो इनकी बाउंड्री बनाता है, तो कनाडा और यूएसए के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रूस की लीना नदी मिलती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, लेपतेप सागर में। तो जो लीना नदी है रूस की वो कहाँ मिलती है? लेपतेप सागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बंजर जलप्रपात ऑस्ट्रेलिया के किस संरचनात्मक विभाजन से जुड़े हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, पूर्वी हाईलैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कनाडा में विनिपेग किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, फर ट्रैपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत के मानव विकास सूचकांक के निर्माण में निम्नलिखित कारकों में से किसका उपयोग नहीं किया जाता? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, रुग्णता, मॉर्बिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रचंड बेरोजगारी का मतलब है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मानव विकास सूचकांक लैंगिक असमानता को मापने के दौरान किस पैरामीटर का उपयोग नहीं किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, हेल्थ, स्वास्थ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन इज संकल्प क्या प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है? तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, युवाओं को बाजार प्रासंगिक प्रशिक्षण, मार्केट रिलेवेंट ट्रेनिंग टू यूथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत में राजकोषीय नीति का सुनहरा नियम है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, केवल सार्वजनिक निवेश के लिए उधार लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन प्रबंधन प्रदर्शन संकेतक का एक उदाहरण है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जनता या कर्मचारियों के शिकायतों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
इनमें से कौन सा कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी का आयाम है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, परोपकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एनजीओ को विकास प्रक्रिया में मौजूद समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने और ठीक करने के लिए क्या किया जाता है? जादुई गोली, मैजिक बुलेट के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा धारणीय विकास के लिए एक प्राथमिक लक्ष्य है? बी 14 फॉलोइंग इज द प्राइमरी गोल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, एलिमिनेटिंग वेस्ट एंड एमिशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इको मार्क लेवल ऑफ इंडिया इज, भारत का इको मार्क लेवल क्या है? तो इसका जो ऑप्शन, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, एक मिट्टी का बर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से किस कारक के कारण प्रजातियों का सामूहिक विनाश नहीं होता? तो जो ऑफिशियल जो आंसर की आई है इसमें जो करेक्ट आंसर दिया है वो है ऑप्शन सी, अत्यधिक बारिश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 40 वाट इलेक्ट्रिक बल्ब इज यूज 6 आवर एवरी डे, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक यूनिट्स इट कंज्यूम्स इन 30 डेज आर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 7.2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ यूरेनियम 235 विद द स्लो न्यूट्रॉन बम्बार्डमेंट प्रोड्यूस एनर्जी अप्रॉक्सीमेटली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 200 MeV। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द डेंटल अलॉय यूज फॉर टीथ फिलिंग कंटेन्स, दांतों को भरने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला दंत मिश्र धातु है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सिल्वर मर्करी टिन कॉपर एंड जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर हार्डनेस। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, कैल्शियम नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द डिफरेंट प्लांट्स पार्ट्स इन विच ल्यूकोप्लास्ट्स प्रेजेंट्स आर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, रूट्स एंड अंडरग्राउंड स्टेम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेट्रिडोफाइटा डू नॉट हैव। तो पेट्रिडोफाइटा में क्या नहीं होता? तो पेट्रिडोफाइटा में फ्लावर्स नहीं होते, उसमें फूल नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ग्रुप ऑफ एनिमल्स कोइलम इज फिल्ड विद ब्लड, जानवरों के किस समूह में शरीर की गुहा खून से भर जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, आर्थ्रोपोडा। और लास्ट क्वेश्चन है इसमें, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन मसल्स ऑफन लीड्स टू क्रैम्प्स अमंग एथलीट्स, द रीज़न फॉर दिस इज। तो मांसपेशियों में जो ऑक्सीजन की कमी के अक्सर खिलाड़ियों में जो एंठन होती है, इसका क्या कारण है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लैक्टिक एसिड, कन्वर्जन ऑफ पाइरूवेट टू लैक्टिक एसिड। तो फ्रेंड्स, ये थे जनरल स्टडीज़ का जो पेपर था HAS का। तो आप सभी चेक करके बताना कि आपके कितने कितने जो हैं क्वेश्चन ठीक हुए और कितने मार्क्स बन रहे हैं आपके।